खबर देहरादून से, जहां सीएम धामी की पहल रंग लाई। दरअसल सीएम धामी ने भर्ती मामले को लेकर चिट्ठी लिखी थी। सीएम धामी की चिट्ठी पर विधानसभा अध्यक्ष ने जांच समिति गठित की और सभी भर्तियां रद्द की गईं। वहीं सीएम धामी ने विश्वास दिलाया कि भविष्य में सभी भर्तियां पारदर्शी होंगी। आइए आपको सुनवाते हैं कि सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है। देहरादून से अवनीश जैन की रिपोर्ट। आप जानते हैं कि मैंने अपने माध्यम से, अपनी मंशा, आपके माध्यम से अपनी मंशा प्रदेश के सामने रखी थी और कहा था कि युवाओं को निराश नहीं होना है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रदेश के युवाओं की आशाओं व अपेक्षाओं पर खरी उतरने का प्रयास ईमानदारी से कर सकूं। मैंने ये भी कहा था कि मैं अनियमितताओं को लेकर कठोर निर्णय लेने में संकोच भी नहीं करूंगी। आज 23 सितम्बर है और ठीक 30 दिन पहले 3 सितंबर को यहीं पर हम आपने बातचीत की थी। तब मैंने यह वादा भी किया था कि जल्द ही मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगी। मैं आप सबको सूचित करना चाहती हूं कि मुझे कल देर रात विशेषज्ञ समिति से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई। विधानसभा अध्यक्ष से पूर्व में ही अनुरोध किया था कि जो भी विवादित नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं, उनकी जाँच करवाएं और जाँच करवाने के बाद जो भी भर्तियाँ गलत पाई जाती हैं उनको निरस्त करने की कार्रवाई करें। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि जो हमारी सरकार की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर नीति है, पारदर्शिता की नीति, सुशासन की नीति, उस पर आगे बढ़ते हुए आज ये सभी भर्तियां निरस्त करने का जो निर्णय लिया गया है उसके लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ।